हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप बहुत ही मजे से होंगे। जैसा कि बोर्ड पे क्वेश्चन देख रहे हैं, दो टंकियों की धारिता यानी उनका वॉल्यूम 120 लीटर और 56 लीटर है, वो बड़े से बड़े किस माप का डब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के लिक्विड को पूरी संख्या में नाप दे यानी मेजरमेंट कर दे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले डिसाइड करना है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। अगर आपको पता चला जाए कि ये चैप्टर किस चैप्टर से है, तो आप क्या कीजिएगा, वो प्रोसेस अप्लाई कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मेरी गुजारिश है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए। तो बात करते हैं दोस्तों कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का सिलेबस से, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो एग्जाम हाई लेवल का हो या लो लेवल का हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि ये किस चीज से लिया गया है। तो ये तो हमें पता चल गया, अब हमें क्या करना है, इसमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना है या महत्तम समापवर्तक। तो बात यहां फंस जाती है। तो इसमें क्या करना है आपको दोस्तों, महत्तम समापवर्तक करना है, जो काफी इजी हो जाएगा। तो कौन कौन सा है, एक है 56 लीटर और है 120 लीटर। तो सबसे जो बड़ा है वो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। तो कितनी बार में लगाएंगे, दो बार में 12 10 11 8 आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 56 और ये हो जाएगा 7 बार में ये हो जाएगा कट, ठीक है। तो अभी ये बात हो रही है यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा, 8 लीटर। थोड़ा रुक जाइए, लीटर है तो ये कह रहा है कि ये संख्या में नाप देंगे, तो वो भी कुछ मेजरमेंट आएगा। अगर वो मेजरमेंट वॉल्यूम में होगा यानी क्या, धारिता में होगा, तब इसका आंसर क्या होगा। तो हमें पता है इसमें कितनी से मल्टीप्लाई करना है, 1000 से, तो 8000 वॉल्यूम यानी कि धारिता होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा है, इस तरह क्या प्रोसेस आपको पसंद आ रहे हैं और इस टाइप के ही क्वेश्चन दोस्तों मैं अक्सर अपने वीडियो में लेकर आता हूं। तो दोस्तों गुजारिश है फिर से, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए दोस्तों, इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा।